इंडियन कुकिंग शिफ्ट स्वाही सावित्री में आप सभी का स्वागत है। मैंने अरहर की दाल ली है, तुअर की दाल। तो आज हम बनाएंगे तुअर की दाल, वो भी बिना टमाटर की। तो चलिए, उसके लिए मैंने प्याज, एक लाल मिर्ची और दो हरी मिर्ची, इनको मैंने काट के रखा है। तो हम चलते हैं गैस की ओर। ये देखिए, कुकर मैंने गैस पर रखा हुआ है और इसमें हम डालेंगे घी या तेल, आपको जो भी पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। आपसे आपको घी से बनाना हो तो आप घी से बना सकते हैं, और तेल से बनाना हो तो आप तेल से भी बना सकते हैं, और जो भी आपको पसंद हो उससे। मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, तो लीजिए, मैंने कुकर में सरसों का तेल डाल दिया है। अब उसको हम गर्म होने देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए, जीरा और राई मैंने आधा आधा दोनों लिया है, तो ये हम जीरा और राई डाल देंगे दाल में तड़कने के लिए। और एक जो लाल मिर्च ली है तो इसको भी हम तोड़ के इसी में डाल देंगे। देखिए, तड़क रहे हैं जीरा और राई, आवाज़ आ रही होगी आपको। और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हींग। हींग से क्या होता है, सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। और इसमें हम डाल देंगे ये प्याज कटी हुई, वो तड़क चुकी है, नहीं ज़्यादा हो गया तो ये जल जाएंगे। तो इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए प्याज भूनते हैं। हमें प्याज कोई कलर नहीं देना है, सिर्फ प्याज का हमें कच्चापन निकालना है। तो हम ये वहीं से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे प्याज। देखिए, इसका कच्चापन निकल गया। और अब इसमें हम डाल देंगे ये हरी मिर्ची जो हमने काट के रखी थी पहले से। हरी मिर्ची डाल दी है, इनको भी इसी के साथ हम सेक लेंगे, भून लेंगे, इनका भी कच्चापन निकल जाए। अब हम गैस की फ्लेम को करते हैं स्लो, और इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई मसाला। तो सबसे पहले हमने लिया है इसमें नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच बड़ी भर के, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर इसमें हमने लिया है डालने के लिए। और आपको टमाटर नहीं डालना है, बिना टमाटर की दाल बना रहे। यदि आप अरहर की दाल में खट्टा पसंद करते हैं, उसमें ज़रूर होता है, कुछ हमें डालना चाहिए। तो इसके लिए मैंने लिया है अमचूर पाउडर। आपको अमचूर पाउडर यदि पसंद है तो, नहीं है पसंद तो आप इसमें नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं। तो हमारे मसाले भून रहे हैं, हम इनको भून लेते हैं अच्छे से। देखिए, और हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, नहीं तो हमारे मसाले जल ना जाए इसमें। तो लीजिए, हम मसाला भूनने के लिए थोड़ा सा 2 चम्मच हम पानी डाल देते हैं। अब गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे ताकि ये मसाले हमारे अच्छे से भुन जाए। देखिए, मसाले भुन चुके हैं और मसालों ने ऑयल भी छोड़ दिया है, खुशबू भी बढ़िया आ रही है किचन में। तो अब हम इसमें डालेंगे ये दाल जो मैंने अरहर की दाल भून के रखी थी, और आधा घंटे पहले इसे पानी में भिगो दिया था, 2 से 3 पानी में भून के और भिगो दिया था। ये बढ़िया से सूख हो गई है, हमें गर्मियों में ऐसे ही दाल सूख करके बनानी चाहिए, क्योंकि ये अरहर की दाल तुअर से बोलते हैं आप, कि गर्म होती है। तो हम जब भिगो देंगे या इसमें पॉलिश होगी वो भी निकल जाता है। लीजिए, दाल मिक्स हो गई है। अब इसमें हमें डालना है पानी। दाल अब कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और मैंने जो भी मसाले डाले हैं, आप जो जो मसाले पसंद करते हैं वो डालें, जो पसंद नहीं करते हैं तो आप ना डालें। मैंने 2.5 गिलास पानी इसमें डाल दिया है, नमक पहले ही डाल दिया था। अब इसका हम ढक्कन बंद करके और इसे 2 से 3 सीटी लगाएंगे इसमें।
देखिए, कोई ज़्यादा इसमें मसाला नहीं दिख रहा है, एकदम सिंपल दाल दिख रही है। तो अब हम बंद कर देते हैं। लीजिए, मैंने बंद कर दिया है। अब इसे दो से तीन सीम बेसन लाएंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। देखिए बेसन निकल चुकी है, तो आपको दिखाते हैं। देखिए दाल बन गई है, आपको मैं दिखा दूँ, एकदम नरम हो गई है। देखिए क्वाटन सॉफ्ट, लेकिन हमें दाल चाहिए पकी हुई, नरम चाहिए, बस घुली हुई नहीं चाहिए कि एकदम से घुल जाए वो। तो एक एक दाना भी है और दाल हमारी पक चुकी है। इंडियन कुकिंग सीक्रेट्स बाय सावित्री में आप सभी का स्वागत है। ये मैंने छोटा सा फ्राई पैन रखा है, अब दाल में हम लगाएंगे तड़का। आप घी या तेल किसी का भी तड़का लगा सकते हैं इसमें, जो भी आपको पसंद हो आप उसका इसमें तड़का लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें, हमारा तेल गर्म हो गया है, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा भी तड़क गया है। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे और ताकि हमारा तेल भी ठंडा हो जाए, सॉरी तड़का हमारा, मैंने घी का लगाया है, घी ठंडा हो जाए हमारा। और इसमें कुकर, दाल वाले कुकर में हमें डालेंगे, हमें डालनी है ये मिर्ची, यदि तेज में डाल देंगे तो वो जल जाएगी, इसलिए हमें गैस तड़का ठंडा करना था और मैंने ये डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे हरी धनिया कटी हुई, आपको पास से दिखा देती हूँ। देखिए, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। देखिए आप फेसबुक पे हो तो मेरा पेज वहाँ भी आप फॉलो करें। लीजिए हमारी दाल बन के रेडी हो गई है, दाल हमारी बन के रेडी हो गई है, कितनी बढ़िया दाल बनी है। तो इसे हम लीजिए, आप दाल रोटी के साथ, और कोई ज़्यादा इसमें मसाले नहीं होते हैं, आपको ज़्यादा मसाला पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, पर मैंने ऐसे ज़्यादा मसाले नहीं डाले क्योंकि मेरे घर में ऐसे ही दाल खाई जाती है। हम रोज़ रोज़ तो मसाला खा नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने कम ही इसमें मसाले डाले हैं। लीजिए प्याज भी रख दिया, खीरा भी रख दिए, और ये हरी मिर्च भी है। आप राइस पसंद करते हो तो राइस भी आप खा सकते हैं। लीजिए आप लंच और डिनर में कभी भी दाल रोटी तैयार है, सभी की पसंद। बच्चे आपके घर में हो तो मैंने हरी मिर्च जो काट के डाली, आप थोड़ी बड़ी साइज़ की डालें, और मैंने ऐसा कोई भी ज़्यादा मसाला इसमें नहीं डाला है जो आपको प्रॉब्लम हो। देखिए कितनी बढ़िया दाल बनी है, आप एक बार बनाएंगे ना तब आप कहेंगे मैंने सच कहा है, बढ़िया सी खुशबू आ रही है। प्लीज़ प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ऑल करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आप इसका फ़ायदा उठाएं।